हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम सिंह। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इंग्लिश विद नितिन सर। मैं हूं शुभम सर। मैं आप लोगों को आज कंडीशनल सेंटेंस के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले हम पहले दो लाइन कुछ देख लेते हैं। तुझे पाने के लिए जान लगा दूंगा पर जाने नहीं दूंगा। एयरफोर्स, एक्स वाई ग्रुप, SSC, CHSL, SSC, CGL, नेवी, SSR, MR। तो आप लोग भी जान लगा दीजिए पर जाने नहीं दीजिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चन में आप लोग को आज 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवेन ही माई कार। हमने आप लोग को बताया था कि अगर जो फर्स्ट सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म है तो दूसरे सेंटेंस में हमारा भी उड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड में है, वुड हैव गिवन है, तो हमारा इसमें पहले पार्ट में गलती होगी। क्योंकि एक हमने और रूल बताया था कि अगर जो सेकेंड पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो पहले पार्ट में सब इफ़ के साथ सब्जेक्ट होगा प्लस हैड होगा, प्लस हैड के साथ आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, सॉरी, उसमें हम हैड का यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। देखो, इसमें हमने आप लोग को बताया था कि हैड है, हैड प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री बराबर क्या होता है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री हो सकता है। तो यहाँ पे ये पहला हमारा सही है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री यूज हुआ है, हैड ही इनवाइटेड, बाद में वुड हैव प्लस वी थ्री का यूज हुआ है। तो ये मेरा क्वेश्चन, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म ही हिम। अब ये हमारा क्या है, इफ़ है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, हैड है, हैड के साथ वी थ्री का यूज हुआ है, तो हमको सेकंड फॉर्म में चेक करना है। तुरंत हम अपने सेकंड फॉर्म में पहुंच जाएंगे। सेकंड में क्या है हमारा, आई वुड, वुड है, तो वुड के साथ हमें वी तुरंत हैव की रिक्वायर्ड है, वुड हैव और वी थ्री की, तो वुड हैव इन्फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर इन्फॉर्म में ई डी जोड़ देंगे, हमारा थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ही विल वर्क हार्ड। अब आप लोगों को पता है कि जो इफ़ क्लॉज होता है, मतलब जो शर्त बताने वाला क्लॉज होता है, वो कभी भी विल में नहीं हो सकता, कभी भी उसमें विल का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें कभी भी विल का यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये में एरर है। चलते हैं ऑप्शन नंबर ये, मतलब बिल को हम रिमूव कर दें। आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। अनलेस, हमने आप लोग को बताया था कि अनलेस, अनटिल, इन सब चीज़ों के साथ कभी नॉट का यूज नहीं होता है। तो हम ऐसे ही देख लिए कि अनलेस वाला हमारा ये शर्त बता रहा है जिसमें नॉट का यूज हुआ है। तो अनलेस आई डू नॉट, मतलब ये हम जान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इधर दूसरे वाक्य में बिल नॉट का यूज हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनलेस और अनटिल ये अपने आप में स्वयं निगेटिव होते हैं। चल ऑप्शन नंबर ये में एरर है, लगाते हैं। चलते हैं अपने हम छठे क्वेश्चन पे। अब ये बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज सून एज, प्रोवाइडेड दैट, ये सब हमारे जो जिन वाक्य के पहले लगे होते हैं, या आफ्टर हो गया, तो ये सब हमारे क्या बताते हैं, ये सब शर्त बताते हैं। तो बिफोर लगा हुआ है, मतलब हमारा ये शर्त बता रहा है। और हमने आप लोग को बताया जैसे इफ़ क्लॉज जो होता है, मतलब जो हमारा कंडीशन बताता है, उसमें कभी भी विल का यूज नहीं करते हैं। तो बिफोर द पुलिस विल कम है, तो यहाँ पे विल को हम रिमूव कर देंगे, विल को रिमूव कर दिए, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल। देखिए, फिर अनटिल के साथ नॉट का यूज हो गया है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा फर्स्ट में एरर है, लगाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा है, इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। अब देखिए, इफ है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हैड मनी की बात हो रही है, तो सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो इधर विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चलता है,
तो ये हमारा बिल को हमने उड में चेंज कर देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग को एक बताया पहले इमेजिनरी, हमने आप लोग को बताया जैसे इमेजिनरी होगा तो वहाँ पे हम हमेशा वाज की जगह वर का यूज़ करेंगे। अब इसमें इमेजिनरी की बात हो रही है, इफ़ आई वाज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। टॉलरेट मतलब होता है सहन करना, मोमेंट मतलब होता है क्षण या समय होता है। तो यहाँ पे इफ़ आई वर यू होगा क्योंकि इसमें कल्पना किया जा रहा है, तो इसमें आई इफ आई वर यू आप लोग लगा देंगे। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, सपोज सी डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू। हाँ, अब सपोज आ गया तो मुझे एक बात याद आ गई है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये सपोज के साथ कभी भी इफ़ का यूज़ नहीं होता क्योंकि ये सुपरफ्लूअस है। हम जब आप लोग को सुपरफ्लूअस इंग्लिश पढ़ाएंगे तो उसमें हम आप लोग को बताएंगे कि सपोज के साथ इफ़ का यूज़ नहीं करते हैं। फिलहाल यहाँ पे इफ़ आया नहीं है तो इसमें हम देखते हैं क्या गलती है। सपोज सी डज नॉट एग्री मतलब हमारा पहला पार्ट प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में है, तो हम सेकंड भी देखते हैं कि वो हमारा सिंपल में हो, प्रेजेंट इनडेफिनिट हो, तो व्हाट कुड है, कुड यहाँ पे सेकंड यूज होगा मतलब पास्ट है, तो इसको हम कुड को कैन में चेंज कर देंगे, आसानी से मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी को हम क्लिक करते हैं, हाँ सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, सपोजिंग इफ़ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू। अब देखते हैं सपोज के साथ हमने अभी आप लोग को बताया था कि इफ़ का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम इफ़ को रिमूव कर देंगे, बाकी मेरा सब आंसर सही है, सब सही है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है और बाद में परफेक्ट का भी यूज़ कर दिया गया है, मतलब सही है, अब ए ऑप्शन में एरर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ यू सा अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी। अगर जो आप एक टाइगर देखते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए अब ये सा है तो सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो हमको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट में हमारा मेन इफ़ क्लाज है। अब मेन क्लाज हमारा भी क्या होना चाहिए, मेन क्लाज भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो विल को हम आसानी से उड में चेंज कर देंगे, हमारा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ आई हैड टू हाउसेज, अगर जो मेरे पास दो घर होते तो आई वुड हैव गिवन वन टू, तो मैं तो आपको एक दे देता। तो इसमें देखिए पहला पास्ट में है, हैड टू हाउसेज, तो इफ़ है हमारा मतलब इफ़ क्लाज क्या है, जो शर्त बता रहा है वो हमारा पास्ट में है, तो सेकंड भी पास्ट में होना चाहिए, तो उड के साथ हम बी वन का यूज़ करेंगे, तो उड हैव गिवन को हम आई वुड गिव वन टू यू कर देंगे, हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ बी विल ही ड्राई, हमने आप लोग को बताया, हमारा आंसर पहले ही मिल गया, हमने आप लोग को बताया कि जो हमारा इफ़ क्लाज होता है उसमें कभी विल सेल इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप केवल माइंड में ये रखिए कि इफ़ जो क्लाज होगा उसमें विल सेल नहीं आएगा, आपके 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो सकते हैं। तो हमारा हमारे में एरर है, ऑप्शन नंबर ए में एरर है, तो हम ए पे क्लिक करते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फिर आ गया सपोज के साथ इफ़ का यूज हम नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये लगा देंगे। चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये देखिए अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, तो हम यहाँ अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पे बिल भी आ गया तो हम बिल नॉट को भी रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे हमने कर दिया, अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया, हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। अब आप लोग माइंड में एक बात रखिए कि अनलेस के साथ कभी भी हम नॉट का यूज। हो गया आपका सेशन पूरा हो गया, जय हिंद जय भारत।